17 अप्रैल 2022 अतना हांगकांग नेटवर्क के वीकली टॉक के साथ मैं हूं सदफ अजीज मोहम्मदी। इस वक्त बजे हैं रात के 10। इस पर जितने भी लोग सुन रहे हैं सबको खुश आमदेद, अस्सलाम वालेकुम और आदाब। उम्मीद है कि आपका पिछला हफ्ता अच्छा गुजरा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आपके साथ न्यूज भी शेयर करते रहे हैं कि माशाल्लाह से अभी जो है केसेस काफी कम हो गए हैं। आज जो है जो रिपोर्ट मिली है, आज जो केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं उसमें जो है कुल जो है 747 हैं और उनमें जो है तकरीबन 11 के आसपास जो है इम्पोर्टेड केस हैं। और एक अच्छी बात यह है कि सिर्फ जो है तकरीबन 28 के आसपास जो है 24 घंटे में कोविड की वजह से जो मौतें हैं जो वाकया हुई हैं उनकी रिपोर्ट मिली है। तो ये एक बहुत अच्छी बात यानी कि एक मस्बत है सूरत हाल हांगकांग की कि इंशाल्लाह से बहुत जल्द जो है उम्मीद है कि हर चीज़ नॉर्मल हो जाएगी 21 तारीख तक इंशाल्लाह ताला। कुछ खास खबरें, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जैसा कि आप जानते हैं कि 19 अप्रैल से स्कूल खुल रहे हैं, कल की अभी तो ईस्टर छुट्टियां चल रही हैं यानी कि मंगल से। और सबसे पहले जो है किंडरगार्टन और प्राइमरी स्कूल खुलेंगे, ये तो मुझे मालूम है कि आप सब जानते हैं। लेकिन एक खास अनाउंसमेंट ये है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि बच्चों को स्कूल जाने से पहले घर में जो है रैपिड टेस्ट करना होगा, यानी कि वो जो है जो क्विक जो टेस्ट जो किट के साथ जो है वो वाला करना होगा। और हर एक का स्कूल का जो है ना अपना अपना, वो बाद में वो आपके जो है ना ये वालदैन हैं, बच्चों के वालदैन हैं, उनको आगाह करेंगे कि कैसे वो रिपोर्ट करनी है या कुछ है। और अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें जो है क्योंकि रोजाना ये जो है अपना जो है रैपिड टेस्ट करना है बच्चों का और स्कूल को बताना है उसका रिजल्ट, तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास इतनी जो है इस वक्त जो है मुश्किल में है या उनके पास इतना स्टॉक मौजूद नहीं है, तो आप अपने जो है बच्चों के स्कूल से रابطہ कीजिए। क्योंकि उन्होंने बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, तकरीबन सब स्कूलों ने ही इसका एहतमाम किया हुआ है, इंतजाम कर रखा है कि जो जरूरतमंद जो फैमिलीज हैं उनको वो है आपको फ्री में वो टेस्ट किट फराम कर सकते हैं। तो आप जो है तो ये सब जरूरी है। और दूसरा ये कि ये स्कूल खुल रहे हैं वो ये है कि सारे एकदम से नहीं खुलेंगे। जो असल में जो फेस टू फेस है यानी कि आमने सामने की जो क्लासेस हैं वो फुल जो है मुकम्मल तौर पे मई में होंगी। अभी शुरुआत में जो स्कूल खुल रहे हैं तो ये कुछ जो है चंद घंटे के लिए होंगे, कुछ आधे दिन के लिए। ये जो है ये सारी जो है ये जो सिस्टम है सिर्फ और सिर्फ एहतियातन उन्होंने किया है। दोबारा से दोहराऊंगी कि हर एक स्कूल का अपना अपना अलहदा इंतजाम उन्होंने किया है। तो जो आपका बच्चा जो है जिस स्कूल में पढ़ता है, आप अगर उन्होंने आपसे रابطہ नहीं किया तो आप उनसे खुद से फोन करके उनसे पूछ सकते हैं कि जब बच्चे ने अगर इनके 19 तारीख को स्कूल जाना है तो क्या उसकी सूरत हाल है यानी कि, और उसका जो है कि जो उसकी क्लासेस लगनी है तो वो कितने घंटे के लिए, ताकि आपको आसानी से यानी कि वालदैन को उसको स्कूल छोड़ने और पिकअप करने में आसानी हो सके। दूसरा, जैसा कि मुफ्ती साहब की आपने वीडियो भी देखी होगी, इंशाल्लाह से 21 तारीख से जो है जितने भी जो जिम वगैरह हैं, दूसरे जो है स्पोर्ट्स सेंटर वगैरह हैं और इबादतगाहें हैं, उसमें मस्जिदें हैं, चर्च हैं, टेंपल्स हैं, मंदिर है, गुरुद्वारे वगैरह हैं, वो सब खुल जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने ये शर्त रखी है कि उसमें सिर्फ जो है 50% उसकी जो है कैपेसिटी है, यानी कि मतलब ये है कि अगर आम उसमें यानी कि अगर आप नमाज पढ़ने के लिए अगर आमतौर पर जो है वहां जो है कमरे में अगर 100 बंदे आते हैं तो सिर्फ 50 बंदों को इजाजत होगी,
ये उनका जो समास जो है उनका जो है समाजी जो है उनके जो है जो फासले का जो उनका जो है रूल है हसूल है उसके तहत जो है उन्होंने ये पॉलिसी रखी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप प्लीज जो है इसके बारे में जो है इसका जो है इसको आप फॉलो करेंगे। और दूसरा ये है कि वहां पर ये भी गवर्नमेंट ने कहा है कि तमाम जो ये जो मदरसे हैं मस्जिदें हैं चर्च वगैरह जितनी ईबादगाहें हैं और ये जो दूसरे जो है स्पोर्ट्स सेंटर वगैरह वहां पर आपका जो है टेम्परेचर चेक किया जाएगा और आप सबको जो है और एक बहुत जरूरी बात ये है कि आप सबको वैक्सीन फुली तौर पे वैक्सीनेटेड होना लाजमी है। जिन लोगों को पूरी तरह से यानी कि दो टीके लगे हुए हैं वैक्सीन सिर्फ उनको जाने की इजाजत है। जो जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उनको जाने नहीं दिया जाएगा। तो इनके अगर छोटे बच्चे अगर जा रहे हैं तो उनको छोड़ के ठीक है, यानी कि जिनको हांगकांग में वैक्सीन फिलहाल नहीं लग रही है इनके वो छोटे नन्हे बच्चे हैं। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि मस्जिद वाले अलाव भी नहीं करेंगे बच्चों को आने के लिए, मगर ये है कि ये जरूरी है, ये एहतियात है, ये आप जैनशीन कर लीजिए ताकि आपको पता रहे कि सिर्फ जब वैक्सीन जिन्होंने लगवाई हुई है सिर्फ वो ही जा सकते हैं। और वहां पर आपको स्कैन करना होगा हर जगह, ये है लीव होम सेफ की जो ऐप है वो आपको स्कैन करना लाजमी है। ये हकूमत की तरफ से ये हुक्म है, ये तमाम मस्जिदों मदरसों चर्च गुरुद्वारे जो उनके मंदिर हैं और दूसरी जगह इबादतगाहें हैं उन सबको और ये स्पोर्ट्स सेंटर्स जो है ब्यूटी पार्लर्स वगैरह और भी वो सब। अलबत्ता जो है गवर्नमेंट ने बार्स पब वगैरह को खोलने की इजाजत नहीं दी है। जो सिनेमा है उनको भी इजाजत दी जाएगी मगर उनका भी यही है कि एक जो लाइन है इनकी जो सीटें जो उनकी होती हैं उसमें जो है सिर्फ एक साथ में जो है इनके 4 सीटें हैं रखी जा सकती हैं, फिर गैप और फिर 4 सीटें, यानी कि वहां भी वही जो है सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो रूल लागू होगा। अगेन वही जो है कि सिर्फ 50% वहां, यानी कि अगर 100 बंदों की बैठने की जगह है तो सिर्फ 50 बंदे बैठ सकते हैं, अगर 50 बंदों की बैठने की जगह तो सिर्फ 25 को इजाजत होगी। और ये है कि हर सेशन के बाद उनके लिए हुक्म है कि उनको वहां पर जो है ना जरासीम कश दवाई के साथ उसको साफ करना लाजमी है। फिर जो है अभी ये चंद सवालात जो आप लोगों ने भेजे हैं तो बहुत सारे लोग पूछते हैं, ये जो है सबसे ज्यादा सवालात जो है भेजे जाते हैं कि फ्लाइटें पाकिस्तान से खुली है कि नहीं। तो जनाब पाकिस्तान से फ्लाइटें खुल चुकी हैं, यानी कि आपको पाबंदी नहीं है कि आप पाकिस्तान से हांगकांग ना या हांगकांग से पाकिस्तान ना जाएं। अगर कोई भी फ्लाइट होती है तो उसमें अगर जो है 3 से ज्यादा बंदे अगर पॉजिटिव निकलते हैं हांगकांग लैंड होने के बाद तो उस एयरलाइन को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पाकिस्तान से नहीं आ सकते, सिर्फ ये उस एयरलाइन पर पाबंदी होती है कि वो 1 हफ्ते के लिए हांगकांग जो है ना पैसेंजर्स नहीं ला सकती। तो दूसरा ये है कि पाकिस्तान का ये भी मसला है कि पाकिस्तान से हांगकांग कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, पीआईए ने ऐलान किया हुआ है लेकिन अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। ये उनके जो है कुछ उनकी फॉर्मेलिटीज है जो उन्होंने पूरी करनी है, जो कुछ लीगल इश्यूज हैं। और हांगकांग का भी ये मसला हो गया था कि कोविड की वजह से पिछले जो है जब से ये 2022 चला है काफी हमारी मुश्किल रही है, बहुत सारे महकमे बंद रहे हैं, तो अभी फाइनल नहीं हुआ है। उनकी बात चल रही है उनके साथ, जैसे ही उनका कुछ ये जो है चाइनीज गवर्नमेंट और हांगकांग की गवर्नमेंट के साथ उनका जो फाइनलाइज हो गया तो इंशाल्लाह से पीआई की फ्लाइट जो है पाकिस्तान से डायरेक्ट जो है हांगकांग चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन हांगकांग ये पीआईए के अलावा और कोई भी जो एयरलाइन है डायरेक्ट डायरेक्ट पाकिस्तान से हांगकांग नहीं आती है। जितनी भी एयरलाइंस हैं जितनी भी हैं तो आपको वो बजरिया दूसरे उनके जो है दूसरा उनका जो है वहां से आपको चल के यहाँ आना होता है, तो वो आप किसी भी रास्ते से आ सकते हैं। थाई के जो हैं वो बड़े त्यारे जो हैं उनको, क्योंकि पिछले कुछ हफ्ते पहले एक जो है
चाइनीज एक एयरलाइन थी, वहाँ जो हादसा पेश आया, तो उसकी जो है मॉडल के जो प्लेन्स हैं, तो थाई की जो है में उनकी उन्होंने ऐलान किया था कि उन्होंने वो जितने भी उस मॉडल की जो तैयारे हैं उनको चेक करना है, तो तभी आप उन उन तैयारों को उड़ने देंगे, यानी कि जब उनको ओके करने के बाद। तो जहां तक मेरे पास मालूमात है, पाकिस्तान से थाई अभी चल रही है, प्लेन उनके दूसरे हैं, इनके दूसरी किस्म है, तो इस्लामाबाद से भी फ्लाइट चल रही है, आ रही है, और लाहौर से भी, तो आप ले सकते हैं थाई को, इनकी कोई मसला नहीं है, बशर्त के अगर बैंकॉक से अगर थाई एयरवेज का अगर खुदा ना खास्ता, वैसे तो अभी कोई पाबंदी नहीं है, अगर कोई पॉजिटिव केस निकलता है, वैसे तो दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि कोई भी पॉजिटिव केस ना निकले, तो वो मसला हो सकता है। लेकिन अगर आप थाई ले रही हैं, फर्ज करिए आप बैंकॉक पहुंचते हैं और खुदा ना खास्ता थाई एयरवेज पे जो है पाबंदी है हांगकॉन्ग आने की, तो वो कोई मसला नहीं है, क्योंकि बैंकॉक से हांगकॉन्ग बहुत सारी फ्लाइट्स आती हैं, ठीक है, बहुत सारी, ठीक है। आप कोई भी जो है, अगर आपकी थाई नहीं आ रही, तो आप थोड़ा सा अपने पास इतना सफिशिएंट कैश रखें कि इमरजेंसी में आप जो है कोई भी ले लें, वहां से आप कैथे ले सकते हैं, मलेशियन एयरलाइन ले सकते हैं, वहां से जो है क्या कहते हैं उसको, एयर एशिया ले सकते हैं, इनके बहुत सारी फ्लाइट्स हैं जो वहां से आप ले सकते हैं, टिकट लेके आप आ सकते हैं। और क्वारंटीन का जहां तक ताल्लुक है, वो एक हफ्ते का है, आपकी ऑप्शन है, आपके पास अभी गवर्नमेंट ने रखी है कि आपको जो है होटल क्वारंटीन जो है एक हफ्ता है, 7 डेज है, और आपको लगातार जो है ना 5वें 6ठे 7वें दिन आपको जो है वो टेस्ट करेंगे, आपका अगर टेस्ट नेगेटिव आता है तो 7वें दिन की आपको रात के 12 बजे के बाद आपको होटल से जाने दिया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है निकलने के बाद आप घूम फिर सकती हैं, आपको मजीद एक हफ्ता घर में रहना होगा, इनके अपना ख्याल रखें, चेक करें अगर आपको कोई मसला तो नहीं है, और फिर जो है 12वें दिन जो है आपने सरकारी जो है टेस्टिंग सेंटर में जाके आपने एक और टेस्ट करवाना है जी, वो फ्री में है और आपको पैसे देने नहीं पड़ेंगे इन केस, ठीक है। तो ये तो है हमारी जो फ्लाइट्स का है और हमारा ये जो टेस्टिंग का हो गया। एक हाँ जी, एक साहब ने पूछा था कि अगर पाकिस्तान जाएं तो क्या आपको पीसीआर टेस्ट की जरूरत है। जी, पाकिस्तान ने तो जो है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ऐलान किया है कि आपको जो है ना टेस्ट की जरूरत नहीं है, बशर्त के अगर, आई मीन उन लोगों के लिए जरूरत नहीं है जिन्होंने वैक्सीन लगवाई, अगर आप पूरी तरह से वैक्सीन शुदा है, तो आपको जो है अपने टेस्ट को जो है वैक्सीन, वो जो क्या कहते हैं उसको, कोविड का जो टेस्ट है, करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई, तो फिर आपको कोविड टेस्ट करवाना जरूरी है, और 72 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो टेस्ट करवाया हुआ होना चाहिए, और उसमें वो आपकी जो है ना नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं, 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए ये शर्त नहीं है। तो ये है हमारी आज की खास खास खबरें। अभी मैं आपके मैसेजेस देखती हूँ, इन केस आप लोगों का कोई सवाल है। जी वालेकुम सलाम मासूमा मिनहाल, अस्सलाम वालेकुम हलीमा, अल्हम्दुलिल्लाह हादी खान, बहुत बहुत शुक्रिया, लाला खान साहब बहुत शुक्रिया, कासिम मोहम्मद, तैयब शाज हाँ जी बहुत शुक्रिया, कासिम मोहम्मद जी, आपने पूछा है कि ये होटल क्वारंटीन जो है कब खत्म होगा, तो ये तो जरा मुश्किल ही है देखिए, क्योंकि आप अगरचा के अभी जो है जैसे आज है 747 जो है केस हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हांगकांग की जो गवर्नमेंट है, जो होटल का जो क्वारंटीन है, ये जो अराइवल्स के लिए जो है कभी भी खत्म करेगी, एटलीस्ट इतनी जल्दी नहीं करेगी। अगर है भी तो उनकी कोशिश है, अगर केसेस नीचे आते हैं तो गवर्नमेंट ने बोला था कि उनकी कोशिश है कि इस साल के एंड तक जो है होटल क्वारंटीन को जो है उनको वो करके कुछ ममालिक के लिए, इनके जो लो रिस्क वाले हैं
उनके लिए खत्म करके होम जो है क्वारंटीन करेगी, यानी कि घर में क्वारंटीन। तो इंशाल्लाह देखते हैं, उम्मीद है कि अल्लाह करे जो है अगर केसेस जरा सूरत हाल बेहतर हो जाती है तो इंशाल्लाह वो जो है आप तो ये खर्चा हमारा जो है जरा ये कम हो जाएगा। अल्लाह करे पाकिस्तान की भी लिस्ट आए, इंडिया की भी लिस्ट आए कि इनके लिए जो है ना होम क्वारंटीन की इजाज़त हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, मुश्किल आसान हो जाएगी। जी नवीद इकबाल साहब, आपने कहा है, पूछा है कि पाकिस्तान से क्वारंटीन रूम कैसे बुक करें। तो आपको ये करना है कि आप ऑनलाइन जाइए और जो है खुद ही आपको ऑनलाइन जो है वो जो होटल बुकिंग का जो है बहुत सारी वेबसाइट है, hotel.com है, अगोडा है, आप उसके जरिए इवन जो है या फिर जो है ये जो गवर्नमेंट की जो हांगकांग गवर्नमेंट की जो लिस्ट है इसमें डेजिग्नेटेड जो होटल्स हैं, मखसूस जो है होटल हैं जो क्वारंटीन के लिए रखे गए हैं उनकी लिस्ट में जाएं, और बराह रास्त जिस होटल में आप बुक करना चाहते हैं आप उस होटल से रब्ता कर सकते हैं, या फिर जो है आप जो है ना एजेंट के थ्रू जो है आप बुकिंग करवा सकते हैं। ये है कि एजेंट थोड़ा सा आपसे वो जो है आपसे थोड़ा कमीशन लेगा। तो अगर आप हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हैं वहाँ काफ़ी सारे एजेंट मौजूद हैं, आप उनसे रब्ता करके उनसे बात कर सकते हैं, तो वो आपको जो है कोई से भी आपका जो है अच्छे से जो है ना आपके बजट के मुताबिक होटल में आपको बुकिंग करवा देंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेल, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आरफ कह रहे हैं कि स्कूल खुलेंगे 3 हफ्ते के लिए, फिर किताबें खरीदनी है। जी ये तो है, मगर आप ये स्कूल दोबारा से बंद नहीं हो रहे क्योंकि अभी ये जो है ये दो दो महीने की ये बच्चों को छुट्टी गई थी, ये एक्चुअली असल में समर हॉलीडेज थी, तो इसलिए इस साल जरा डिफरेंट होगा। स्कूल अगर ना भी लगा फेस टू फेस तो है, ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी, इसलिए आप फिक्र नहीं करें। तो आज के लिए ये हमारा जितना भी है इम्पोर्टेंट मैंने आप तक पहुंचा दिया है। इंशाल्लाह से अगर कोई नई अपडेट हुई आप हमारा पेज को जो है उसको चेक करते रहिए, जैसे भी कोई नई खबर आती है हम उधर पोस्ट करते रहते हैं। और हमारी जो है अभी जो है कुछ क्लासेस है जो अपना हांगकांग नेटवर्क ने शुरू की हैं, और हमने बकायदा जो है ट्रेंड हमारे जो है इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो वुमेन हेल्थ का जो वर्कशॉप आपने किया है वो अभी पूरी तरह से फुल हो चुकी है, उसमें जगह बाकी नहीं रही अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मेल्स की जो कैंटनीज क्लास है वो भी फुल हो चुकी है। जो ख्वातीन के लिए जो कैंटनीज क्लास है उसमें अभी थोड़ी सी कुछ लोगों की जगह बाकी है, अगर कोई ख्वातीन कोई सिस्टर्स को चाहती हैं कि वो कैंटनीज क्लास सीखना चाहती हैं वो सारी, तो आप उसमें जो है अपना जो है कांटेक्ट हमें भेज दीजिए, हमें मैसेज कर दीजिए, हम आपका नाम लिख लेंगे। ये सारी क्लासेस जो हैं रमजान के बाद शुरू होंगी, तो ताकि जो है ना आपको आसानी रहे, ताकि क्योंकि हम समझते हैं कि रोजे के साथ जो है ना मुश्किल होती है, खासतौर पे हमारी जो है खवातीन है और मेल्स के लिए भी मुश्किल होती है क्योंकि दिन को उनको काम करना होता है तो फिर बंदा थका होता है तो मुश्किल होता है क्लासेस लेना, इसलिए मई में ये हमारी क्लासेस हैं। और इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ जो है ना जो वर्क से रिलेटेड जो है कुछ कोर्सेज आपको जो है आपके लिए उनको जो है ना उनका इंतजाम किया जाए, खास तौर पे जैसे सिक्योरिटी पर्सनल का जो परमानेंट लेने का जो कोर्स होता है उसकी जो ट्रेनिंग है वो कोर्स जो है हम कोशिश कर रहे हैं, रब्ता कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए इस कोर्स को इंतजाम करने के लिए उसको डिलीवर करने के लिए सिखाने के लिए हमें बकायदा उसको जो है ना उसके लिए परमिट लेना पड़ता है, तो उसका हम इंतजार कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि वो जो जो कोर्स है वो उर्दू में सिखाया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें रब्ता किया है कि वो क्योंकि उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो अक्सर वो फेल हो जाते हैं कोर्स वो होते हैं, उनका जो फीस है 700 से लेके 1,500 तक है, और बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है कि वो जो है उन्होंने नकली सर्टिफिकेट खरीदे हैं और उस फिर वो जो है उन नकली सर्टिफिकेट को लेकर वो वांचाई में पुलिस स्टेशन ये है वहां पर लाइसेंस
लेने के लिए, वो परमिट लेने के लिए वहां पकड़े गए हैं, क्योंकि चेक हो जाता है अगर जहां नकली आपने सर्टिफिकेट बनवाया तो, ठीक है। और उस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए उन्होंने 5-5 हजार तक दिए हैं। तो ये सरासर जो है गलत है। एक तो ये है कि आपके रिकॉर्ड में चला गया कि आपने जाली दस्तावेज इस्तेमाल किए हैं, दूसरा आपके इतने 5 हजार जो है ना आपके जो है ना हरामगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह से आप जो है ऐसा करें कि थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, जैसे ही हमारे पास जो है ना उसका इजाजत मिल गई, क्योंकि जो कोर्स वो जो डिलीवर करेगा वो बाकायदा उनका ट्रेनर है, वो गवर्नमेंट का ट्रेन शुदा जिनके पास परमिट है लाइसेंस है वो ही सिखाएंगे। फर्क सिर्फ ये है कि हम साथ में आपको जो बता रहे हैं वो जब आपको सुनाएंगे उसको डिलीवर करेंगे तो वो उर्दू में और हिंदी में होगा, ताकि आपको वो जो ट्रेनिंग है वो आपको आसानी हो सके। इसके अलावा हेल्थ एंड सेफ्टी का कोर्स होगा इंशाल्लाह से, मगर ये सारे जो हैं हमारे मई जून जुलाई में ये करके ये कोर्सेस होंगे। तो और दूसरा ये कि उसकी फीस हमने मिनिमम रखी है, क्योंकि हम जो हैं नॉन प्रॉफिट, यानी कि हम प्रॉफिट बगैर प्रॉफिट के हम ये सारे कर रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी की जो है असिस्ट करना है। हम चाह रहे हैं कि आप लोगों को, हमारी ये ख्वाहिश है अपनाओं को नेटवर्क की, कि हम अपनी कम्युनिटी को जो है ना अपग्रेड करें, आपको उनको आपके लिए सहूलियात फ्राहम करें, जो गवर्नमेंट की तरफ से रिसोर्सेस हैं आप तक पहुंचाए जाएं। तो हमारी ख्वाहिश है कि आप ये जो भी जो है ये हमारे जो आपके तो जो रिसोर्सेज आप दे रहे हैं इनसे आप जो है फायदा उठाएंगे इसकी जो है। तो अगर आपको इसके अलावा अगर कोई भी आपको सवाल वगैरह हो तो हमें मैसेज कर सकते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको दुरुस्त और बर वक्त जो है आपको जो है इंफॉर्मेशन दे। तो अगले हफ्ते तक के लिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए जी। आबिद हुसैन साहब, मैं आपको, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, यानी कि ये फेसबुक के हमारा जो है उधर, तो मैं आपको जो है व्हाट्सएप का लिंक भेज दूंगी, या फिर आप अपना नंबर जो है भेज दीजिए तो व्हाट्सएप के ग्रुप में आपको शामिल कर लेंगे, क्योंकि वो ग्रुप जो है काफी फुल है। तो हम जो है उसको जो उसको पब्लिक के साथ अभी शेयर नहीं कर रही, तो प्लीज अपना नंबर हमें ये जो है मैसेंजर के जरिए भेज दीजिए। अगले हफ्ते तक के लिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।